नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट्स लेके आया हूँ और साथ ही साथ उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड एक इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। तो इसका बिजनेस सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर नहीं है, इस कंपनी देखा जाए तो इंसुलेटर्स भी बनाते हैं। इलेक्ट्रिक जो पुल होते हैं उसमें जो इंसुलेटर लगाया जाता है उसको भी प्रोडक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस में 82% रेवेन्यूज कमाते हैं और उसके साथ आप इंसुलेटर्स के ऊपर 18% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। कंपनी 374 से कंपनी 1465 तक जर्नी दिखाया और इस जर्नी जो हुआ वो भी एक साल के अंदर अंदर। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी का पी रेशियो बहुत पीक लेवल में है, मतलब बहुत हाई लेवल में है। इसी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो 369 तक चला गया था, वहाँ से पी रेशियो गिरकर आ चुके हैं 150 के आसपास। तो 50% पी रेशियो करेक्शन हुआ, फिर भी मैं एवरेज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 130 के आसपास है। तो इसका मतलब पी रेशियो अभी भी हाई है। तो इस कंपनी के कुछ खासियत और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी अच्छा खासा गुड क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करते हैं। कंपनी का सीएजीआर का जो परसेंटेज ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी 49% के आसपास है 5 सालों में। कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है आप देखेंगे तो 239 से वो घट के हो चुके हैं 157 डेज। यहाँ पे जितने डेज कम होगा उतना ही खासियत बनेगा। और कंपनी का जो कुछ कॉन्स है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है, आप देखेंगे स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.9 टाइम्स इज इट्स बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू के 11 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी लो रिटर्न इक्विटी में 4.84% का ओवर लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का लो रिटर्न इक्विटी देखने को मिला। और कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 211 डेज, मतलब कंपनी जो डेटर्स डे है उसमें 211 दिन लगा रहा है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी के जितना जल्द से जल्द कस्टमर से पैसा हाथ में आएगा उतना फटाफट कंपनी काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा है 211 डेज। और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स सेम्स हाई। और प्रोमोटर होल्डिंग्स जो दिखा दूँ तो प्रोमोटर होल्डिंग के पास ओवरऑल प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स था वो 3 साल में 11.5% के आसपास गिरावट करेक्शन देखने को मिला। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 61.31% होल्डिंग था, उसको घटकर प्रोमोटर के पास होल्डिंग कम हो चुके हैं और उसका फायदा FIs और छोटा मोटा DIs ने उठाया और पब्लिक भर भर के माल उठाया, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका रिटर्न जो दिया। अगर इसी चीज़ को मैं एज ए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ मंथ से फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई हर मंथ में लगातार लगातार बाइंग करते जा रहा है। तो मैंने अब कुछ लेवल्स मेंशन किया था और लेवल ध्यान से देखिएगा। तो पहले देखिए इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक शानदार मोमेंटम हुआ और मैंने आपको ये भी बताया था कि फोमो बाइंग में कभी भी एंट्री मत लेना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना, एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा था। मैं आपको ये भी बोला कि इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करेगा तो उसके ऊपर मैं एक एंट्री लेने के लिए सोचूंगा। तो यहाँ पे मेरे एंट्री लेवल्स बना है और जो टारगेट रेशियो रहेगा वो एक्चुअली 1418 के आसपास छोटा सा एक टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और यहाँ पे एक पैटर्न्स भी क्रिएट हो सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस लेवल तक इंतजार करूंगा, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है CDSL। तो CDSL आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो CDSL के बारे में बात करूँ तो इंडिया के जितने सारे देखा जाए तो डिपोजिटरी फार्म है उनमें से दो ही कंपनीज है, एक CDSL है और दूसरा NSDL है। तो CDSL NSDL के माध्यम से ही सारे जो डीमेट अकाउंट का जो शेयर्स है इस दोनों कंपनी के पास ही देखने को मिलेगा। तो CDSL और NSDL इस दोनों कंपनी के पास शेयर रहेगा। अगर आप किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के माध्यम से अकाउंट ओपन करते हैं तो डायरेक्टली वो जो जितने डीमेट अकाउंट में जो शेयर होते हैं वो डायरेक्टली CDSL नहीं तो NSDL के पास चला जाता है।
अभी तक मार्केट में इससे लिस्टिंग CDSL ही है, NSDL अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ, तो खासियत इसी कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीबन 11,900 करोड़ के आसपास है, PE रेशियो 40 के आसपास है, उतना ज़्यादा हाई भी नहीं है, उतना ज़्यादा लो भी नहीं है। ROE ROC देखा जाए तो 31% के आसपास है, इसका मतलब एक शानदार लेवल्स में देखने को मिला। कंपनी के एनुअली इनकम 276 करोड़ के आसपास है, कंपनी के कोई भी डेप नहीं है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 40 के आसपास इसका फ्री कैश फ्लो देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर 27.9 के आसपास है। डेट ऑफ स्टे के बारे में बात करें तो 24.8 के आसपास देखने को मिला। तो सारे पैरामीटर इस कंपनी के पॉजिटिवली आपको देखने को मिलेगा, और शायद कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको अच्छा खासा दिखे। तो देखिए लास्ट 2020 के जून माह में 65 करोड़ के आसपास सेल था, 2021 में 117 करोड़ का सेल हुआ, और 2022 में 140 करोड़ के आसपास सेल हुआ, और 2023 में 150 करोड़ के आसपास सेल हुआ। इसका मतलब यही है कि हर साल में कंपनी खुद को एक अच्छा लेवल में लेके जा रहा है, एक धीरे धीरे करके खुद को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ होना बहुत मतलब अच्छा खासा ग्रोथ देखने का चांसेस है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 58 63 53 53, इस तरीके से कुछ अच्छा खासा लेवल्स में जेनरेट हुआ। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ पिछले क्वार्टर के तुलना से, मतलब पिछले सालों के तुलना से कंपनी का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी जेनरेट हुआ। तो ओवरऑल कंपनी का जो टोटल सेल्स एक प्रॉफिट सब कुछ देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी तीनों चीज़ में आपको पॉजिटिविटी दिखेगा। अगर कंपनी का CAGR का परसेंटेज के हिसाब से देखूँ तो कंपनी 5 साल में 34%, 3 साल में 41% के आसपास रिटर्न दिया। और इसी के चलते हुए एज ए इन्वेस्टर, हर किसी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। अगर मैं इसी चीज़ को पहले सबसे पहले यहाँ पे दिखा दूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है, अभी 15% होल्डिंग्स है। और देखिए धमाका बाइंग म्यूचुअल फंड ने किया और धमाका बाइंग FIS ने किया, और FIS और TS मतलब सॉरी, यहाँ पे FIS ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठाया ऑलमोस्ट 15%, और DS ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठाया करीबन 11%। तो इतना होल्डिंग उठाने के पीछे यही रीजन है कि कंटिन्यूसली कंपनी ने क्या किया, एक रेंज क्रिएट किया, और इस रेंज क्रिएट करने के बाद कंपनी के रेंज एक ट्रेड बना, और यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड के हिसाब से 22% के आसपास एक बाइंग एंटी मिला, मतलब कंटिन्यूसली बाइंग एंटी से 22% का एक ट्रेड मिला। और यहाँ पे एंटी कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, और मैंने आपको ये भी बताया कि मैं 10% गिरने के बाद यहाँ पे फिर से एंटी लिया था और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, और मेरा जो पहले एंटी था वो अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट के आसपास से जाकर वापस हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा इस लेवल को प्रॉफिट पाने के लिए, जो लेवल बन के आ रहा है करीबन 1300 के आसपास। ये था सेकेंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है हैपीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो हैपीस माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी एक IT सॉल्यूशंस कंपनी है और IT सर्विसेज कंपनी भी बोल सकते हैं। IT सेक्टर के हालत बहुत खराब हुआ है, उसके बाद भी इस कंपनी खुद को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया। कंपनी के जो बिजनेस है आप देखेंगे तो डोमेस्टिकली कंपनी ज़्यादा बिजनेस करते हैं, कमर्शियल की मतलब आप देखेंगे तो कंपनी इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल दोनों जगह पे कंपनी काम करते हैं। कंपनी के जो बिजनेस के जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे तो ROC ROE बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। PE रेशियो 64 के आसपास है। कंपनी का बुक वैल्यू देखा जाए तो 56 के आसपास है। कंपनी के डेट ऑफ स्टे सॉरी कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ मुझे ज़्यादा देखने को मिला, कर्जा ज़्यादा लिया, और इस कर्जा ज़्यादा लेने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो इस बार 10 करोड़ के आसपास चला गया, और इसी के चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पेक्ट आया। कितना इम्पेक्ट आया आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था मगर उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा, और कंपनी एक्सपेंस को उसी तरीके से रखे है, पहले जितना एक्सपेंस था उससे थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ा, और कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया। अच्छी बात है कि कंपनी कुछ लास्ट कुछ जून माह में 2020 से देखा जाए, 2020 में, 2021 में, 2022 एंड 2023, कुछ 4 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज किया, और उसके चलते कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को भी जेनरेट किया। अभी एज ए इन्वेस्टर आपके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर FIS DS पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है।
तो रही बात एज ए पब्लिक के बारे में बात करूं तो 38% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग्स दिखेगा और बाकी होल्डिंग्स एफआईआरडीएस के पास है। तो कंपनीज के ज़्यादा से ज़्यादातर होल्डिंग्स प्रोमोटर उसके बाद पब्लिक के पास ही है। तो इस कंपनी के लास्ट कुछ मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो सिर्फ मई मंथ में म्यूचुअल फंड वाले ने बाई किया, उसके बाद लगातार लगातार सेल अप किया और जुलाई मंथ में बहुत बड़ा सेल किया गया। और इसी के चलते ही आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे सेल अप देखने को मिला, किस तरीके से यहाँ पे सेल भी हुआ। अगर इसी इसी चार्ट को मैं एक एंगल के हिसाब से मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से पैटर्न से क्रिएट हुआ है जो एक कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस को वो फेस कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और रिट्रेसमेंट करे तो एक बड़ा सा एक धमाका देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस लेवल को जब तक ब्रेकआउट ना करेगा तब तक कोई नया एंट्री लेने के लिए सोचना भी गलत होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बार बार उसी रेंज को वो फेस करते जा रहा है और यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश भी किया। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक करने का 2 बार कोशिश किया और वो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए नया एंट्री लेना थोड़ा सा रिक्सी जोन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जी जे सॉरी जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और वो भी देखिए तो बोनस का अनाउंसमेंट। तो कंपनी 7 तारीख को एक के बदले एक बोनस देने वाला है। अभी एक के बदले एक बोनस कंपनी देने वाला है, क्यों देंगे वो तो देखिए, कंपनी के इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला, आज तक की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी इस साल में किया। और क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ तो क्वार्टरली भी देखिए 1-2-3 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होता था, इस बार सारे प्रॉफिट को ब्रेक करके 25 करोड़ तक प्रॉफिट को लेके आए। और जब लास्ट कुछ ईयर्स में देखा जाए तो लास्ट ईयर में कंपनी 12 करोड़, 20 करोड़, उसके बाद 30 करोड़, 35 करोड़ के आसपास, 37 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। तो इस वजह से कंपनी का बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया बोनस देने का। तो बोनस लेने से पहले इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करने के लिए सोचना। तो आई होप तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एडुकेशन पर्पज़ में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।